अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अपने किचन में हम बना रहे हैं मटन मोमोज। आपने चिकन मोमोज खाए होंगे, वेजिटेबल्स मोमोज खाए होंगे, आज आपके हमने लेके आए हैं मटन मोमोज। चले बना लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पैन रख दिए हैं, इसमें हम डाल दिए तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून तेल। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें एक छोटी प्याज डाल देंगे। प्याज को सौते करेंगे, यानी हल्का पिंक करेंगे ताकि हमारी प्याज थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, बाकी कलर इसका चेंज बिल्कुल नहीं करना है। तो आप देख सकते हो प्याज हल्की सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे 200 से 250 ग्राम, इसमें हम डालेंगे मटन कीमा जो कि पाउडर बना सकते हो। अब इन्हें अच्छे से मिक्स करके इन्हें अच्छे से हम भूनेंगे। साथ में इसमें हम डाल देंगे नमक। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। यहाँ पे हम 1 टीस्पून नमक डाल रहे हैं। तो नमक डालने के बाद फिर इसे हम तकरीबन 2 मिनट तक और पकाएंगे ताकि पानी एक्स्ट्रा सूख जाए। उसके बाद बाकी की चीज़ें इसके अंदर हम डालेंगे। तो यहाँ पर हम अब इसे अच्छे से, यहाँ पे देख सकते हो पानी ड्राई हो चुका है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे तकरीबन 250 ग्राम मटर जो कि एकदम फ्रेश मटर है, और इसे हम डाल देंगे, ये कच्ची मटर है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे आलू। आप चाहे तो आलू स्किप कर सकते हो, लेकिन मटर से बहुत अच्छे से टेस्ट आते हैं। तो भी बस आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास है चटनी। यहाँ पे हम 6 अदद हरी मिर्ची लेकर और थोड़ा सा लहसुन और ज़ीरा लेकर इसे पीस लिए थे, इसके अंदर डाल देंगे। फिर इसके अंदर डालेंगे 1/2 चम्मच चाट मसाला, और फिर यहाँ पे डालेंगे 1/2 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च। फिर उसके बाद इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद इसके ऊपर लगा देते हैं ढक्कन, और जब तक कि हमारे कीमे और मटर और आलू गल नहीं जाते हम इसे पकाते रहेंगे गैस का फ्लेम स्लो करते। तकरीबन ये 15 से 20 मिनट तक के हमारी ये फिलिंग बनकर रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी मोमोज फिलिंग बनकर रेडी हो चुकी है, और ये हमारे मटर है और आलू कीमे सब अच्छे से गल चुके हैं। इसके ऊपर हम छिड़क देंगे धनिया के पत्ते, और फिर इधर इसे हम रख देते हैं साइड में। और जब तक हम चलते हैं मोमोज के आटे को गूंद लेते हैं। तो यहाँ पे हम ले लिए 1 कप मैदा। आप चाहें तो गेहूँ के आटे भी बना सकते हो। मैदे में हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी और थोड़े से नमक, और फिर अच्छे से हम गूंद लेंगे। जैसे हम रोटी के आटा गूंथते हैं ना, उससे थोड़ा सा कड़क यहाँ पे मोमोज के आटे रहते हैं। और फिर इसे हम रख देंगे ढककर तकरीबन 10 मिनट तक। 10 मिनट के बाद फिर इसके हम मोमोज के बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़े से हमारे आटे सॉफ्ट हो चुके हैं 10 मिनट के बाद। एकदम छोटी सी लोई लेंगे और फिर इसे अच्छे से हम बेलेंगे। हमें मोमोज के जो रोटी रहती है ना, वो बीच से थोड़ा सा पतली रहती है और साइड से थोड़ा मोटी रहती है, तब जाकर हमारे मोमोज बहुत। तो ये बस यहाँ पे हमारे मोमोज बन गए हैं। अब हम ले लिए हैं एक पतीली, पतीली के ऊपर रख देंगे छन्नी। उसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल अप्लाई करके इसमें सारे मोमोज को रखकर ढक देंगे। यहाँ पे हम दूसरे शेप में जब तक मोमोज बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो ये एकदम लीफ की शक्ल में, यानी पत्ती की शक्ल में। तो आप चाहें तो जैसे तरीके से आपको आता है मोमोज बनाकर रेडी कर सकते हो। जब तक वहाँ पर हमारे मोमोज बनकर रेडी हो रहे हैं, जब तक यहाँ पर हम दूसरे तरीके के मोमोज बनाकर रेडी कर लेते हैं। और ये तकरीबन मोमोज हमारे 10 मिनट के अंदर बनकर रेडी हो जाएंगे गैस का फ्लेम मीडियम करके, क्योंकि। तो यहाँ पे देख सकते हो 10 मिनट हो चुके हैं, मोमोज हमारे बर्गर रेडी हो चुके हैं। अब इसे हम निकाल लेते हैं और फिर इसी में सारे मोमोज को बनाकर रेडी कर लेते हैं। उसके बाद फिर इसे हम निकालेंगे सर्विंग प्लेट में। इसे बनने में तकरीबन 10 मिनट लग गए हैं मीडियम फ्लेम पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे सारे मोमोज बनकर रेडी हो चुके हैं, और यहाँ पे हम टोमेटो केचप के साथ इसे सर्व कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है। अगर आपको और ज़्यादा स्पाइसेस खाना है तो आप मोमोज की चटनी बनाकर रेडी कर सकते हो, जो कि हमारी वीडियोस में अपलोड है। अगर आपको और चाहिए तो हम इसके ऊपर लिंक दे सकते हैं, और क्योंकि बहुत ज़्यादा यम्मी लगती है मोमोज चटनी के साथ। लेकिन यहाँ पे आज हम टोमेटो केचप के साथ इसे सर्व कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आज की सिंपल सी वीडियो आप सबको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियोस पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पर कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।